नमस्कार प्रणाम, मैं हूं अशोक मितवा और आज मैं चंपारण के धरती पे मौजूद हूं और एक ऐसे ब्रह्मचारिणी से आपको परिचय कराने जा रहा हूं जो इस कलयुग में एक मिसाल है। जय माता दी। जय माता। क्या नाम है माता आपकी? मेरे सभी मंजू कुमारी ब्रह्मचारिणी नाम है। मेरा नाम मंजू कुमारी ब्रह्मचारिणी है। और जन्म से ही ब्रह्मचारिणी है? हाँ, मैं बचपन से हूँ। 4 साल की थी तभी मैं घर द्वार छोड़ दिया। सरस्वती लक्ष्मी पार्वती का दर्शन हुआ और 3 साल के बाद बंद हो जाऊँगी। जब मैं 4 साल के होने के बाद जो है आवाज़ आने लगे ऐसा करो ऐसा करो तो मैं सब कितने दिन की आई में आपको मैं स्वप्न आया? ऐसा स्वप्न तो नहीं है, ऐसे आवाज आने लगा, दर्शन भी हुआ है। मैंने कब कितने उम्र उस वक्त मैं यही 3.5 साल के थी। 4 साल हो गया घर छोड़े हुए, 4 साल हो गया हमको घर छोड़े हुए। 4 साल से अभी मैंने आप घर वर्क नहीं जाती? नहीं, बचपन से घर नहीं जाती हूँ। अच्छा, कभी नहीं घर गई हूँ ना घर जाती हूँ। ना घर से कोई लेन देन होता है ना घर से कोई जाना ना होता है। मैं सबको एक भक्त समान देखती हूँ। रिश्ता मेरी है, अगर मैं रिश्ता रखूँगी तो ईश्वर से नाता टूट जाएगा। जब भगवान के शरण आने के बाद असली संत के नियम होता है कि भगवान के नियम के अलावा जस्ती भी भरा। मैं तो वैरागी संत हूँ तो घर तो जा नहीं सकती ना उनसे रिश्ता रख सकती हूँ क्योंकि मेरा परिवार तो यही रहा है, ईश्वर है मेरा, माता जी का और भगवान जी का सेवा करती है। मैं भोलेनाथ माता पार्वती को मैं माता पिता मानती हूँ और माँ भगवती दुर्गा ही मेरा सब कुछ इष्ट देवता है। जो कहती हूँ वही होता है, उन्हीं की कृपा से सब होता है। देखिए जीवन में ये कितना कठिन काम कर रही है, ऐसे जहन से लोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे बिहार के लिए ये मिसाल है। और इनका जो धाम है आप बेतिया में है, बेतिया से जैसे आप लौरिया के लिए आप जाएंगे तो रास्ते में इस जगह का नाम है कुमारी माता मंदिर। मंदिर के नाम है जग जननी कुमारी माता मंदिर, भगवती का स्थान है। और इस जगह का नाम है विश्वास सिरसिया जग जननी कुमारी माता मंदिर। भक्त लोग भी आते हैं, मरीज लोग आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होती है। भगवती यहाँ के जगता है, जो कहती है पूरा होता है। तो जैसे तंत्र मंत्र से कहती है कि आयुर्वेद दवा वगैरह से भी कुछ ठीक होता है? मैं आयुर्वेद से भी इलाज करती हूँ और तंत्र मंत्र से भी करती हूँ। सिद्धि की प्राप्ति है माँ भगवती के तपस्या की। बचपन से जो मैं अन्न नहीं खाई हूँ, फल फ्रूट लौंग खा कर मैं रही हूँ। 9 वर्ष मैंने लौंग खा के रहा, कई 4 साल तो अरहर का फूल खा कर और आम के पत्ता खा के रही हूँ, उसके बाद दौरे के पत्ता खा के रही हूँ, उसके बाद जो है अब फल खाती हूँ। अच्छा, और नहीं खाती अभी भी? नहीं, अभी भी मैं फला रही हूँ। अच्छा, फला रही हैं। वाह, ये तो बड़ी कठोर, ये तो कलयुग में पहला ऐसा देख रहे हैं ब्रह्मचारिणी जो इस घोर कलयुग में, कलयुग के प्रथम चरण में ऐसा पहली बार हमारी माता जी देख रहे हैं कि इतना कठोर तपस्या कर रही है। भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। और यहाँ पे मैंने क्या क्या मेरा फैसिलिटी है, तो धाम है, बड़ा सुंदर है, ये माताश्वरी का मंदिर है दुर्गा माता, और क्या क्या यहाँ पे लगाई है? यहाँ पे तो सभी देवता है, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती यहाँ उनका स्थापना हुआ है, काली माँ का स्थापना हुआ है, हनुमान जी का स्थापना हुआ है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का स्थापना हुआ है और शिव जी माता पार्वती का स्थापना हुआ है। तो ये मंदिर जो है सभी देवताओं का भाई है। अभी नेताजी निवास है, यहाँ जो आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिसको बच्चा नहीं है उसको बच्चा हो जाता है, जिसको बीमारी हो जाता है नहीं ठीक होता है, यहाँ ठीक हो जाता है। सब मातेश्वरी का आशीर्वाद। माता रानी यहाँ सबका दुख दूर करती है। माँ भगवती मुझे जस दी हुई है, जिसको देखती हूँ ठीक हो जाता है। 20 साल 50 साल हो जाता है उनको शादी हुए, 80-80 बरस के लोग बूढ़े लोग आते हैं, उन लोग को भी बच्चा हो जाता है। सब माता की कृपा है, उनका कृपा है, उनके आशीर्वाद से सब पूरा होता है, उनका वरदान मिला हुआ है। चलिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यूज को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि इसको शेयर करिए और फॉलो करिए। देखिए, जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, आपको इनसे प्रेरणा मिलेगा, एक सीख मिलेगा कि कल युग में एक ऐसी ये लेडीज है, एक ऐसी महिला है, ऐसे ही एक भगवान की भक्त है जो पूरे दुनिया को माया मोह माता पिता घर द्वार छोड़ करके एक समाज की सेवा कहिए, समाज का भी तो इसमें भला है। मैं सेवा करती हूँ, सभी तरह के लोग आते हैं, सबका कल्याण होता है,
हर प्रकार के बीमारी लोग को लेके आते हैं, राग विराग सब देखते रहती हूँ। भगवान का जैसा आशीर्वाद मिला है जिसको देखती हूँ ठीक हो जाता है, हर बीमारी भी ठीक हो जाता है। जो है लोग कुछ लेके आते हैं, जो भी रहता है दान पुण्य कर देते हैं, साड़ी हुआ, कपड़ा हुआ, पैसा हुआ, कुछ हुआ, जो भी रहता है मेरे पास, लोग मुझे भक्त देते हैं, मैं भक्तों को दान कर देती हूँ। जो कुछ इससे देते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, भक्त लोग जो देते हैं, और यहाँ काम कराती हूँ, और जो पैसा बचता है तो लोगों में दान में उड़वा देती हूँ, दान कर देती हूँ। किसी को कुछ तकलीफ रहता है, किसी को कुछ तकलीफ रहता है तो उसमें खर्चा कर देती हूँ। देखिए, जहाँ दवा काम नहीं करता है वहाँ से दुआ काम करना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान है कि नहीं, माता है कि नहीं, लेकिन इनसे आपको प्रेरणा मिलेगा, इनसे सीख मिलेगी, आप देख करके आपको विश्वास हो जाएगा कि लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा ही पाखंड है, भगवान नहीं होते हैं, माता नहीं होती है। तो इनसे आपको, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको, इनसे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगा। ये ऐसा नहीं है, अगर आपके मन में आप ठान लीजिए कि हमको ये चीज़ करना है तो करना ही है। अगर आपका मन सच्चा होगा, हृदय अगर साफ होगा तो देख लीजिए, ये आप इनकी अवस्था देख लीजिए, और जब इनका जो व्यवस्था है वो भी आप देख लीजिए। कितनों हम अभी आए थे तो बहुत लोग आए थे, इनसे दुखिया सब आई थी कि अपने अपना जो भी समस्या था उन्हें कर आई थी, सुना रही थी, उनका समाधान भी कर रही थी। तो कैसे मैंने कोई दिन और अब किसे का मंदिर नहीं, डेली मैं देखती हूँ केवल बुधवार के बंद रहता है। मैं डेली देखती हूँ और बुधवार के बंद रहता है। और मिर्गी हो, कैंसर की बीमारी लोग को होता है, घाव फुलसी फोड़ा, चर्म रोग, सफेद दाग, सब लोग ठीक हो जाते हैं। छोटे मोटे हाथ अगर टूट जाता है तो उसको पट्टू की बांध देती हूँ, ठीक हो जाता है। गरीब है, बाहर मैंने प्लास्टर कराने की शक्ति नहीं है, तो मेरे पास आता है, दवा लिख देती हूँ, पट्टी बांध देती हूँ, ठीक हो जाता है। ये सब प्रेरणा आपको जैसे ट्रीटमेंट का जो दवा का नॉलेज है, ये कैसे आपको मैंने मिल गया? आपको कहीं पढ़ी लिखी है, इसका कोई रिसर्च की है कि ऐसे माता की कृपा है? नहीं, ये तो माँ भगवती के वरदान है, उनका आशीर्वाद है। वो जो जैसे कहती है, आवाज आता है, मैं उसी तरह करती हूँ। ये सारे जो विद्या है उनका दिया हुआ है। मैं पढ़साले नहीं गई हूँ, और इसी तरह माँ भगवती ने मुझे पढ़ाया है। उन्होंने पढ़ाया है ऐसा करो, ऐसे करो, इसके मतलब ये इलाज करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगा, इस ये वाला इस बीमारी में ये ट्रीटमेंट करूँगी तो ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जैसे आकाशवाणी जैसा आपको सुनाई देता, कोई आकर के आपको बता रहा है? तो सिद्धि आदमी किया हुआ है, सिद्ध आदमी तपस्या किया है, लौंग खा करके जो है पलथी मार करके आदमी सिद्धि के प्राप्ति जो है उसको प्राप्त होता है। मैं तभी धर्म में किताब पढ़ती हूँ, हर प्रकार के वेद पुराण में पढ़ती हूँ, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, मैं पढ़ती हूँ। मैं संस्कृत में ज़्यादा अध्ययन है, हाँ, संस्कृत से मैं ज़्यादा करती हूँ। और बीमारी जो है दवा से भी ठीक हो जाता है, या बहुत से भी ठीक हो जाता है, लौंग से भी ठीक हो जाता है, कोई ऐसे ही झाड़ देते हैं ठीक हो जाता है, किसी किसी को यही से आशीर्वाद दे दिया जाता है ठीक हो जाता है। अच्छा, ऐसे भी होता है? हाँ, ऐसा ही है। कोई जरूरी नहीं है कि दवा से ही ठीक होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे लौंग देखने से ठीक हो जाता है, किसी को झाड़ देने से ठीक हो जाता है, यही से कोई दुख होता है तो यही से माँ भगवती हम लोग पास की प्राप्ति है, ऐसे ही कर देते हैं, मंत्र यही से ठीक देते हैं, ठीक हो जाता है। हाँ, यह मंत्र सिद्धि की प्राप्ति है, या मंत्र है मेरे पास, जो भी दिया हुआ मंत्र है, भगवती का देन है, इन्हीं लोग पढ़ाया लिखाया है। मैं इंसानियत पढ़ी नहीं हूँ, ईश्वर को पढ़ाया हूँ। इंसान लोग तो पढ़ाते हैं तो उसमें छल कपट का भावना होती है, मेरे को तो ईश्वर पढ़ाए तो उसमें कोई छल कपट नहीं रहता है। जो आ जाता है जैसे कहें, जैसे सिखाया गया, सारा विद्या ऐसे ही वरदान में मिल गया है, वो सब अपने आप हो जाता है। तपस्या की है तभी तो मिला है, बिना तपस्या का कुछ होता नहीं। जब मैं छोटी थी तभी मैंने घर छोड़ दिया, एक पैक्स में मैं रहती। अच्छा। मैं शुरू में मैं एक पैक्स में रहती थी, सरकारी एक गोदाम है, वहाँ पर शुरू में मैं वही रहने लगी। हर किसी के माता पिता सोचता है कि मेरे बच्चा क्यों नहीं खा रहा है। वो लोग दूध में चावल मिलाकर छल से दे देते थे, तो मैं दूध पी लेती थी, चावल फेंक देती थी, छोटा थी तब। तो मैंने वहाँ छोड़ दिया, वहाँ जब छोड़ दिया गुस्सा में लोग बहुत मारा खाने के लिए, ये खाऊ नहीं खाती है, वहाँ के लिए माता पिता ने जलम जो दिया है उन लोगों ने मारा कि तुम खाओ, तो मैंने नहीं खाया। और मेरे ऊपर आसन था, कई वजहों से भी दिखाया गया मुझको, डॉक्टर से भी दिखाई गई इनको क्या तकलीफ है, किसी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, इनको माता की कृपा है। तो वहाँ से मैं आसन छोड़ मैं निकल गई, तो एक सरकारी गोदाम में रहती थी, वहाँ पर देख सुन करती थी, इसी तरह सब बताती थी जी तुमको ये बुलाया वो बुलाया है, सच हो जाता था।
मैं अपनी जिंदगी में 5-6 जिंदा भी किए इसी गांव में एक उसको ऐसे बीमारी वाला नहीं ठीक हो सकता है। जो डायन रूटीन फॉलो मार देती है वो ठीक किया जाता है, और बार बार तो उसको नहीं किया जा सकता है। शक्ति जो रहता है, एक बार दिया दिया, दो बार दिया दिया, पांच बार दिया, बार बार अगर उसको प्रयोग किया जाए तो वो हानि हो सकता है। उसे ईश्वर का दखलंदाज होता है, देखिए ईश्वर का जो नियम का उल्लंघन होगा, इसलिए अब वो सब नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मैंने माता रानी के पास वो जिंदा किया है, 12 का तपस्या डाल के उसको जिंदा किया। मैंने 3 उसके लिए कमजोर थे। अच्छा, उसका जो मैंने रसद आपके शरीर पर पड़ा, शक्ति अब डाल देंगे उसमें तो अब रहेगा था। 12 के तपस्या तो उसी में चला गया है, उसके बाद जो है तो पैसा शक्ति मिलती है, लोगों में खर्चा करते रहते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो आश्रम जैसा है आपका, ये पूरा चारों तरफ से मैंने घेराबंदी है, तो इसमें जैसे मैंने कैसे लोग रहते हैं, आप ही लोग रहते हैं कि और कोई अदर लोग नहीं? इसमें जो है मेरे शिष्य है, 2 शिष्य है, एक का नाम है अहिल्या कुमारी ब्रह्मचारिणी, वो भी ब्रह्मचारिणी है। हाँ, वो भी मेरे ब्रह्मचारिणी है, वो 15 का थी तो मेरे पास आ गई, और उनको आए हुए 15 हो गए मेरे पास, 15 से वो रहती है। उसके बाद 4 बाद उनके माता पिता जी मतलब बच्ची को दान यहाँ कर दिए और यही रहती, उसका नाम है शांति, वो भी यही रहती है, मंदिर धोती है, पुष्पुर वगैरह तोड़ती है, ये भी है, सेवा करती है। हाँ, ये जो है अहिल्या जी हैं उनको पढ़वा रही हूँ, जो मेरा शिष्य है पढ़ रही हैं, वो प्रवचन वचन के अध्ययन कर रही हैं, कथा वाचक की पढ़ाई कर रही हैं, पूजा पाठ कराना कर रही हैं, और आगे पढ़ करके हारमोनिया ऊपर वो कथा वाचक बनेगी, और उनको सोच रही हूँ वो बनेगी आगे चल करके। अच्छा, आपका आशीर्वाद और माता रानी का आशीर्वाद होगा तो आपके जब शरण में आएगा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इसमें पुरुष को रहने का कोई अलग नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें कोई पुरुष नहीं रह सकता है, जो कुमार ऐसे में विवाहित औरत भी यहाँ नहीं रह सकती है। जो ब्रह्मचारी है, शुद्ध है, विचार से है, तन मन से भगवान का बनाई हुआ भक्त है, वो और लड़की रह सकती है। ऐसे तो बहुत सा लड़की आती है रहने के लिए, मैं शिक्षा देकर के समझा करके घर भेज देती हूँ। बहुत सा औरत आती है भाग करके रहने के लिए, मैं समझा कर भेज देती हूँ। ये जिनकी बड़ी कठिनाई है, ये पूजा पाठ तपस्या बहुत त्याग कुछ है, तो शरीर जो है बहुत त्याग करना पड़ता है, हर चीज़ अपना स्वार्थ खो देना पड़ता है। बस 2 यहाँ रिश्ता चलता है, भक्त और भगवान, बाकी सब एक खुद के समान है। अरे तो ऐसे आपको इस जीवन को बहुत सारे मेरे आश्रम में आग लगा दिया गया था। एक पीपल के पेड़ था और भगवती का स्थान थी, तो इसलिए आग लगाया गया था उस समय की एक मोहनी बनाने के लिए हमसे किसी ने कहा था, तो मैंने उसका नहीं बनाया, गुंजार जात है, उसने कहा कि हमारे मोहनी बना कर दे दो, तो हमने नहीं, उसका गलत विचार होगा किसी को। नहीं बताइए, 12 की लड़की को बस में करना, बूढ़ा 50 का उसको बस में कराना ठीक रहे? ये तो बहुत बड़ी पाप है, तो पाप है ना। तो मैंने नहीं बनाया, तो बोला कि हम भुंजारी दाल दिखाएंगे, हमने ठीक है दिखा देना। उसके बाद वो उन्होंने आग लगा दिया, तो हमने वो छोड़ दिया वो स्थान, कहा कि जब यहाँ पर ये सब ऐसा होता रहेगा मैं क्यों रहूँगी, चल दिया। जहाँ जमीन है, तो जमीन कैसा जमीन है, खरीदी है कि जमीन खरीदा हुआ है? ये भक्त लोगों ने पैसा दिया, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही थी, बहुत जगह से बुलावट आ रहा था कि चलिए रहना है, आपको मंदिर दे रहे हैं, आश्रम दे रहे हैं, महीना देंगे, तो हम बोले नहीं, मैं रहूँगी तो अपना स्थान जो निजी होगा वहीं रहूँगी, बाकी किसी मठ पर नहीं जा सकती। बहुत सारी जगह मंदिर से बुलावट आया हुआ था, तो मैंने नहीं गई। और अभी जो है भक्त लोग कोई 10,000, 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे, हाँ जो शक्ति था वो लोगों ने पैसा दिया, और मैं पूजा वूजा कराई, जाप वोप करती थी, और उसमें जो पैसा आता था तो उसी पैसा से बनवारी वनवारी कराती थी, और जैसे जब कथा होता वाचक मैं पूजा मैंने पहले कराती थी, गाना भजन, तो गाना भजन भी करती थी, तो उसमें जो पैसा मिलती थी वो सब मिला करके ये जमीन खरीदाया, भक्त लोगों ने दिया है पैसा, तो ये जमीन खरीदाया, आश्रम बना।
तो भक्तों के जो बच्चा हुआ है, किसी को बेटा नहीं है तो बेटा हुआ, लड़की नहीं है तो लड़की ही हुआ, किसी को बच्चा होता ही नहीं है, बच्चा उच्चा हुआ, काम पूरा हुआ, तो उन्हीं लोगों ने जो अपने खुशी से दे दिया, जो दक्षिणा दान दिया उसी से ये बिटोर के जमीन खरीदाया, आश्रम बना, ये सब भक्त लोग के देन है। भगवती यहाँ सारे काम करती है, भगवती की कृपा से ये सब चलता है। यहाँ पुरुष, जैसे आप पूछे हैं कि पुरुष लोग यहाँ क्यों नहीं रह सकते, यहाँ पुरुष लोग इसलिए नहीं रह सकते कि यहाँ कुंवारी स्थान है, ये भगवती जगह जनी कुंवारी मंदिर है, यहाँ वातावरण शुद्ध रखा जाता है। हाँ, ये लोग मरीज लोग आते हैं तो रात में मियाँ बीवी आते हैं तो रह जाते हैं, दिखाते हैं लेट हो गया तो जैसे हो जाते हैं, मैं दाल चावल सब्जी खरीद के मंगा देती हूँ, लोग बनाते हैं खाते हैं। मैं फुला रही हूँ, जो मेरा शीश है वो अन खाती है, एक जानवर है सफाई करती हूँ अन खाती है, एक और शीश है वो फलाहार करती है, उनके लिए भी इंतजाम करना पड़ता है। तो यहाँ जो भी है सब आश्रम बना, ये मंदिर बनवाई, मैं भक्त को पैसा दिया, धीरे धीरे बिटोर उटोर के मैंने बनवा दिए हैं। मैं अपनी जिंदगी में यही कीर्ति की हूँ, आश्रम बनवाई और मंदिर बनवाई। बहुत बड़ी आपने काम किया है, दुनिया में तो पैसे कमाने के लिए लोग तो वैध अवैध से कमा ही रहे, लेकिन आपने जो काम किया है वो जो दिख रहा है समाज के कल्याण के लिए, इतना बड़ा त्याग, हमको तो नहीं लग रहा है कि बिहार भर में ऐसी कोई महिला होंगी जितना सशक्त हो करके कि सुनसान जगह पर इतना बढ़िया आश्रम बना करके माता का भगवान का सेवा कर रही है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको शेयर करिए, और जैसे माता जी ने बताया कि मैंने कोई भी प्रकार का दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की बीमारी अगर कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, अगर आप दवा से थक गए हैं तो एक बार इनका दुआ, इनका आशीर्वाद लीजिए, और माता जी का जो प्रेरणा है, जो भी महिलाएं देख रही हैं इनसे आप सीख लीजिए कि जो महिला होती हैं हमेशा नर नारायण यानी जो माताएं होती हैं वहीं आगे होती हैं, उनसे ही सृष्टि का सृजन है, इनसे आपको देख करके बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।